बरेली पुलिस ने फरार चल रहे चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो बदमाशों के पास से चोरी की बाइक, जेवरात, नकदी और तमंचा बरामद हुआ है। एसपी राहुल भाटी ने बताया है कि आरोपियों ने 28 जुलाई को एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मां बेटी के सिर पर पिस्टल लड़ाकर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए थे। आपको बता दें, आप तस्वीर देख सकते हैं, मुठभेड़ में दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार चार को किया है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश जो है चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। 28 जुलाई को एक घर में लूट की थी। जिनका नाम चंद्रशेखर राम अश्यप एवं आकाश उर्फ चाइना, इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया और पुलिस द्वारा घेराबंदी करके अन्य दो व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर चार अभियुक्तों की इस प्रकार गिरफ्तारी हो गई। और व्यक्तियों में एक अभियुक्त है हर्ष शेफल, ये उसी कॉलोनी का रहने वाला व्यक्ति है और जो पीड़िता है उसके घर में अक्सर आना जाना रहता था। तो हर्ष शेफल के द्वारा ही जो बाकी चार अभियुक्त हैं उनको अंदर का नक्शा समझाया गया था कि किस प्रकार से तुम्हें प्रवेश करना है और किस प्रकार से घटना को अंजाम देना।